गाइस सब कुछ मैसी पड़ा है यहाँ पे। सो गाइस आज हम बच्चों के साथ एक गेम खेल रहे हैं भाई। गेम है मेमोरीज का। मेमोरीज कितनी अच्छी है उन लोगों की वो देखने के लिए तो मैं कुछ चीज़ें रखूँगा, ये सब सारी कुछ 25-26 चीज़ें हैं, इसको हम टेबल पे रखेंगे और हर एक को हम 90 सेकंड्स देंगे वो चीज़ें देखने के लिए, उसको मेमोराइज़ करने के लिए कि वो कितना मेमोराइज़ कर सकते हैं 90 सेकंड में। वो चीज़ों का नाम उनको याद रखना है और फिर और 90 सेकंड्स देंगे उसको लिखने के लिए। तो बच्चों को बुलाते हैं और गेम शुरू करते हैं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। इससे बच्चों की मेमोरीज भी बढ़ेगी, मोटिवेशन भी मिलेगा उनको और जो जीतेगा उसको भाई 100 रुपये इनाम है, 100 रुपये। तो सब बच्चे आ जाओ टेबल के आसपास खड़े हो जाओ, सारे आ जाओ उस तरफ, इस तरफ गोल गोल में राउंड में खड़े हो जाओ आराम से, ठीक है। आवाज़ बिल्कुल नहीं, चुपचाप देखना है, याद करना है जिसका जिसका नाम है, तुमको जो भाषा में आता है उस भाषा में लिखना है, ठीक है। गुजराती हिंदी इंग्लिश तुमको जो आता है वो। टाइम स्टार्ट। बिल्कुल आवाज नहीं करनी है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, किसी और को सिखाओ अगर 100 रुपये वो लेके जाएगा। जो हमको हमारे पापा लोग बुलाते हैं। एक दूसरे का मुंह याद नहीं रखना है भाई, चीजें याद रखनी है तो चीजों पे ध्यान दो, एक दूसरे पे ध्यान मत दो, चीजों पे ध्यान दो। चलो टाइम खत्म होने आया है, 3, 2, 1। चलो चलो भाई दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, 100 रुपये इनाम है। तू भाई अपने में ध्यान दे। चलो 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 फक्त 25 सेकंड बाकी है, फक्त 25 सेकंड, 25 सेकंड्स टू गो। ऊपर चलो, टाइम्स अप, ला सब ने अच्छे से मेहनत की। मेमोरी पावर सबका खराब है, याद शक्ति सबकी कितनी है, खराब है, तुम्हारी भी खराब ही है, बट सबसे ज्यादा लिखा है भाई वो लिखा है प्रियंका ने, तालियां हो जाए भाई। प्रियंका विनर है, प्रियंका को मिलते हैं 100 रुपये, तालियां। तो भाई नेक्स्ट टाइम ऐसे ही गेम रेम होगी, ठीक है। मेमोरी गेम थी ये, पता है ना मेमोरी गेम, yes! जो देख के याद रखना पड़ता है सब, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से और अलग गेम्स खेलेंगे। ओके।
जो अपने इधर अपने क्लास में आते हैं इंग्लिश के क्लास में, ठीक है? चलो मजा आया, इनाम वाले गेम रखेंगे हर बार। चलो ये सब रख दो भाई, शादी में नहीं आए हो, ये सब रख के जाओ वापस। बंदर आ चुके हैं भाई साहब, हमारा ट्यूशन खत्म हुआ, हम लोग ऊपर ट्यूशन कराते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो जैसे ही ट्यूशन खत्म हुआ बंदर आए। अच्छा हो भाई साहब, नहीं तो गेम के टाइम पे आ जाते ना तो चिल्लम चिल्ली बच्चे भाग जाते। ये देखो शुरू हो गए, और कुत्ते कुत्ते उनका काम कर रहे हैं। हाँ ये आवाज, और ये बस देखेंगे और भौंकेंगे। ये देखो ये देखेंगे और भौंकेंगे। अगर बंदरों ने हमला कर दिया ना भाई तो एक भी खड़ा नहीं रहेगा इनमें से, ये सब नाम के है बस। गाइस जीत गए हम, जीत गए हैं वर्ल्ड कप। थोड़ा सा वो हो चुका है, अंदर सब भर चुका है यहाँ तक, तो बोला नहीं जा रहा है, नहीं आंसू नहीं आएंगे क्योंकि वो आ चुके थे ऑलरेडी। जब वो विनिंग मोमेंट था तो वो टीवी में था, तब वो मोमेंट आ चुका है, लेकिन अभी तक भरा हुआ है सब, मतलब इतना यही तो चाहते थे यार, इतनी यही एक चीज़ थी जो हमको खुश कर सकती थी, या हमको आने वाले और 3-4 साल तक हमको ये हमारा मूड सेट करके रखेगी ये चीज़। और भाई मोमेंट ये जो है ना भाई, मैंने 15 ओवर मैंने मैच देखना बंद कर दिया था, और भाई 5 ओवर में मैंने चालू किया और मैंने देखा कि भाई 24 रन 26 रन चाहिए। मैंने बोला ख़त्म है मैच, कुछ भी हो जाए ख़त्म है। बट फिर भी वो एक होता है ना यार इंसान के अंदर कि ना यार कुछ तो चमत्कार हो, भगवान का नाम लिया भाई। और प्रेमानंद बाबा की एक याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि वो एक मंत्र बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और कोई भी कैसा काम हो तो साधु संतों के नाम लिख के बोलिए। मैंने बस मेरे दिमाग में वो ही क्लिक हुआ और मैंने वो किया कि 140 करोड़ लोगों की खुशी आज आप लोगों के हाथ में, कुछ चमत्कार कर दो, कुछ चमत्कार। और हो गया भाई चमत्कार, हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई बाहर जाके नाचे कूदे ये करे, बट हम गांव में हैं और यहाँ पे सब माहौल शांत है, सो रहे हैं सब। बट कोई नहीं भाई, मज़ा जो आया है ना, मज़ा।